नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई और दिव्य चर्चा में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह ऑरा डेवलपमेंट, ऑरा का बेसिक नॉलेज। तो ऑरा होता है क्या? कुछ लोग इसे प्रभा मंडल, आभा मंडल इत्यादि नाम से लोग बुलाते हैं। तो इसको बहुत साधारण भाषा में समझे हम, तो अक्सर आप किसी व्यक्ति से अगर मिलेंगे, जब किसी के पास जाएंगे तो आप देखेंगे उस व्यक्ति से मिलने से आपके अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। वो हलचल पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। यानी कि मान लो किसी व्यक्ति से आप मिले, आपको उससे मिलकर कितना अच्छा लगा, आप घंटों उससे बात करने लगे, आप उससे मिलते ऐसे लगा जैसे इस व्यक्ति से मेरा कोई पुराना नाता है। आप उस व्यक्ति को कभी कहीं भी देखोगे तो आप मिलने की कोशिश करो, उसके पास जाओगे, उससे बात करना, उसको देखना, उससे अपनी बातें शेयर करना आपको अच्छा लगेगा। दूसरा एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति से आप मिलते हो आपके मिलते ही मूड खराब हो जाता है, आप कभी भी उससे नहीं मिलना चाहोगे। यदि आप जा रहे कहीं वो सामने आ रहा तो आप रास्ता बदल लोगे। तो यही चीजें जो होती है ये ऑरा के कारण होती है। तो आइए हम लोग इस पर दिव्य चर्चा शुरू करें, विस्तार से समझे। उससे पहले एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल बारी बार विजिट कर रहे हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो ऑरा को समझने के लिए देखिए, ऑरा सिर्फ इंसानों में नहीं होती, पशुओं में भी पाई जाती, पेड़ पौधों में पाई जाती, पहाड़ों में पाई जाती, नदियों में, मतलब जिसके अंदर भी ऑक्सीजन है। सीधी सिंपल बात बताता हूं, अब जिसके अंदर भी ऑक्सीजन पाया जाता है हर एक व्यक्ति में ऑरा डेवलप हो जाता है। ये बातें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑरा जो होता है ना वो एक चुंबकीय चीज है। ऑक्सीजन ही में, ऑक्सीजन को प्राण बोलते हैं ना, प्राणवायु। तो जिसके अंदर जान होगी, जिसके अंदर ऑक्सीजन है उसमें जान है, सीधी बात है। तो जहां पर ऑक्सीजन होगी वो पदार्थ को अपनी ओर खींचती है, अवशोषित करती है, इसी से ऑरा डेवलप होता है। तो जब हम और बाकी चीजों को छोड़ देते हैं, हम इंसान की बात करते हैं क्योंकि हमारा मुख्य मकसद यही है, हम इंसान का ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो जब इंसान कहीं भी रहेगा, जिस प्रकार का माहौल में रहेगा उसी प्रकार का उसका ऑरा डेवलप होगा। मान लो कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर रहता है जहां पर नकारात्मकता की बढ़ोतरी ज्यादा है, घर में कला है, घर में समस्या है, जिस सोसाइटी में रहता है, जिस समाज में रहता है, वहां नाना प्रकार के सारे लोग निगेटिविटी से घिरे हैं। वो न पूजा करें, न पाठ करें, न जप करें, न तप करें, न कभी कोई अच्छी बात करें, न कोई पॉजिटिव बात करें, न कोई मोटिवेशनल बात करें, तो वहां पे क्या रहेगा, 24 घंटा नकारात्मकता में आपको निगेटिव ऑरा डेवलप होगी। क्योंकि ऑरा दो होती है, सकारात्मक ऑरा और नकारात्मक ऑरा। और दूसरा क्या होता है कि एक होती है आदमी की पॉजिटिव, जहां जिस परिवार में व्यक्ति के सभी लोग सकारात्मक लोग रहेंगे, अच्छे लोग रहेंगे, परिवार के सदस्य अच्छे रहेंगे, सारा समाज अच्छा रहेगा, पूजा हो रहा, पाठ हो रहा है, बातें अच्छी अच्छी हो रही, समझाई जा रही, तो वहां पे पॉजिटिव ऑरा डेवलप होती है। तो इस प्रकार से दो ऑरा होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के जो ऑरा बनती है वो दो प्रकार की ऑरा बनती है। अगर पॉजिटिव ऑरा भी दो प्रकार की हो जाएगी, निगेटिव ऑरा भी दो प्रकार की हो जाएगी। पॉजिटिव कैसे हो या निगेटिव कैसे बनेगी, तो उसका कारण एक बाह्य ऑरा बनती, एक आंतरिक ऑरा बनती है। बाह्य ऑरा क्या होती है, आपने किसी किसी व्यक्ति को देखोगे उसके मुखमंडल को देखना, एक ऐसा तेज होगा, एक ऐसा ओज होगा कि जिसको देख करके व्यक्ति मोहित हो जाता है। मैं काले गोरे की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, चेहरे की चमक होती है, शरीर में चमक होती है, शरीर की एक गंध होती है, उस गंध से लोग आपसे प्रभावित हो जाते हैं। आपके शरीर का, बॉडी का स्ट्रक्चर देख करके, आपका आभा मंडल देख करके लोग आकर्षित हो जाते हैं। उसके अलावा ये बाह्य है, इसे बाहरी बोलते हैं। एक होता है आपका आंतरिक, आंतरिक आभा मंडल का तब पता चलता है जब व्यक्ति बोलता है। कुछ लोग की भाषा शैली इतनी सुंदर होती है कि उस व्यक्ति के चेहरे को नहीं देखते हैं, लेकिन उसकी आवाज से लोग आकर्षित हो जाते हैं, उसकी आवाज में आकर्षण होता है, व्यक्ति का आत्मबल इतना आकर्षण होता है। जैसे लोगों के पास आया,
चेहरा बहुत सुंदर नहीं है, देखने में कोई ओझ तेज नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर से इतना स्ट्रांग है कि वहां बैठने के बाद पूरा चारों तरफ उसकी सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया। तो ये बाह्य और आंतरिक आभा मंडल ऑरा क्रिएट होता है, ये पॉजिटिव वे में। यही निगेटिव वे में जाओगे तो आप देखना कोई आदमी कितना भी सुंदर है लेकिन मुंह बुझा बुझा लगता है, मुंह पर लगता है जैसे इसके पता नहीं क्या कितनी विपदा से जूझ रहा है, ऐसा मुंह, ना हंसी है ना लालिमा है, गोरा बहुत है। मैं पहले बताया गोरा काले से भेद नहीं है, ऑरा कहीं डेवलप हो सकती है। चेहरा देखते ही आपको लगेगा कि जहां चला जाए बोलते मनहूस शक्ल लेकर घूम रहा है। मैं ऐसी बातों का समर्थन नहीं करता हूं लेकिन होती है। इस प्रकार से ये निगेटिव ऑरा के लोगों का काम है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कहीं चले जाए बनता काम बिगड़ जाता है, आप देखना वो बोल भी देते ऐसे लगेगा जैसे चाकू मार रहे, छुरी मार रहे, कर्कश। और कहा जाता है कर्कशा जो होता है, कर्कशा चाहे औरत हो चाहे कर्कशी कोई औरत हो चाहे कर्कशा कोई व्यक्ति हो, जिसकी आवाज कर्कश है, कर्कशा है, वो कहीं भी जाएगा समस्या पैदा करेगा, घर में रहेगा घर में कलह रहेगी, जो भी कर्कश बोलेगा। क्यों? कर्कश तभी बोलते हैं जब उसके पास निगेटिव ऑरा, आंतरिक निगेटिव ऑरा है, ये निकलती नहीं इतनी जल्दी। तो इस प्रकार से पॉजिटिव और निगेटिव ऑराएं होती हैं, बाहरी और आंतरिक ऑरा होती है। आइए कुछ और इसको विस्तार से थोड़ा और देखें। तो आप कभी देखोगे देवताओं के बारे में जब कहा जाता है भगवान कृष्ण को देख करके गोपियां मोहित हो जाती है, क्या है? ऑरा डेवलपमेंट है। बांसुरी बजाते हैं तो सारे चुपचाप सुन रहे हैं, भगवान गीता का पाठ कर रहे तो युद्ध का मैदान भी शांत हो गया है, भगवान जहां से निकलते थे लोग पीछे हो लेते थे। इसकी बात छोड़ दीजिए, राम जी की बात देखिए, राम जी जिस समय धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो जितनी स्त्रियां थी सब मोहित हो गई वहां पर, मोहित क्या ऑरा उनका प्रभावित करा। लोग जिसकी जो प्रकार की भावना होगी उसी प्रकार से लोग अपना उनके बारे में सोचने लगेंगे। वन में जा रहे, वलकल वस्त्र धारण कर रखे हैं, जटा सवा बना रखी है, तब भी लोग उनको देख करके मोहित हो जा रहे हैं। स्वप्नखा आदि देख करके राक्षस भी मोहित हो जा रहे हैं। रावण खुद मारने के लिए तैयार नहीं है कि कम से कम तुम चले जाओ, तुमको मारने का मन नहीं कर रहा मेरा, जितने भी राक्षस आए कोई भी इच्छा नहीं कर रही राम जी का से युद्ध करूं। तो ये ऑरा डेवलपमेंट है, ये ऑरे का कमाल है, यही ऑरा है। इसको हम लोग बना सकते हैं, इसको हम लोग अपने आप बना सकते हैं, अपने आप बिगाड़ सकते हैं। कुछ आदतें होती हैं जिससे आप ऑरा को बना सकते हैं, कुछ आदतें ऐसी जिससे अपने ऑरा को बिगाड़ सकते हैं। अगर आपका ऑरा डेवलप हो जाएगा तो आप सुखमय जीवन यापन करेंगे, अगर बर्बाद कर लिए खराब कर लिए तो दुख में रहेंगे। तो ये सब चीजें हो है ऑरा के विषय में। हमें विश्वास है ये चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो कमेंट कीजिएगा। अभी 2-3 वीडियो इसी पर आएंगी, ऑरा को डेवलप कैसे किया जाए, कैसे पता चले हमारा ऑरा वीक है। तो हमारे ये सब सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।